सब्सक्राइब कीजिए मूल भक्ति चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में जानिए आपका आना वाला सप्ताह कैसा गुजरने वाला है। मेष राशि, सोमवार एवं मंगलवार को पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा एवं परिवार से सहयोग की प्राप्ति भी होगी। बुधवार एवं गुरुवार को परेशानी आ सकती है, इस समय आवश्यक कार्य को टालें। आय की कमी होगी एवं अनावश्यक व्यय भी होगा। शुक्रवार की शाम से समय पक्ष में होगा एवं शनिवार से प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। वृषभ राशि, आनंददायक समय रहेगा, खुशियों की प्राप्ति होगी एवं कार्य की शीतलता भी समाप्त होगी। आय भी बेहतर बनी रहेगी एवं ऋण संबंधित समस्याएं भी दूर होगी। साथ ही साथ आपको सहयोग की अपेक्षाएं भी पूरी होगी एवं योजनाएं व्यवस्थित रहेंगी। शुक्रवार एवं शनिवार संभल कर रहने की आवश्यकता है, वाहन प्रयोग से भी आपको सावधानी रखनी होगी। मिथुन राशि, आज भर परेशानी रहेगी, कल से सुधार होगा। आय की वृद्धि भी होगी एवं मन भी प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ आपकी योजनाएं भी सफल होंगी एवं सहयोग की प्राप्ति भी होगी। स्थायी संपत्ति के मामलों में आपको लाभ होगा एवं मित्र अनुकूल रहेंगे। साथ ही आपके विरोधी को नियंत्रण करने में भी आप सफल होंगे। शुक्रवार एवं शनिवार को मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। कर्क राशि, सोमवार एवं मंगलवार तनावपूर्ण हो सकते हैं, खर्च भी अधिक होंगे, साथ ही आपको परेशान करने वाले ज्यादा सक्रिय रहेंगे। बुधवार को अच्छा आप महसूस करेंगे। गुरुवार से आपकी आय में वृद्धि होगी एवं शुक्रवार से सहयोग की प्राप्ति भी होगी और साथ ही आपके अटके काम भी सफल होंगे। अटके कार्यों में तेजी भी आएगी एवं शत्रु का प्रभाव भी कम हो जाएगा। सिंह राशि, बुधवार एवं गुरुवार चिंताजनक रहेंगे, आवश्यक कार्य को भी इस दिन टालें। व्यय की अधिकता रहेगी एवं विवाद भी हो सकते हैं। शेष दिन में समय आपका पक्ष का रहेगा, आय में वृद्धि भी होगी, साथ ही साथ आपको सहयोग की प्राप्ति भी होगी। आपके प्रयासों में आप सफल होंगे, योजनाएं भी सफल होंगी एवं परिवार से खुशखबरी की प्राप्ति भी होगी। कन्या राशि, शुक्रवार के पहले ही सारे आवश्यक कार्य को पूरा कर लें। सप्ताह के अंत में आपको उचित सहयोग नहीं मिल पाएगा, साथ ही आपके कार्य में बाधाएं भी ज्यादा आएंगी। उसके पूर्व उत्साहजनक समय रहेगा, आय बनी रहेगी एवं सहयोग की प्राप्ति भी होगी। सारी यात्राएं सुखद रहेगी एवं योजनाओं के बारे में गोपनीयता भी आपकी भंग हो सकती है। तुला राशि, कल से भाग्य में वृद्धि होगी, समय पर सारे काम होंगे, आय वृद्धि भी होगी एवं कार्यों की अधिकता भी रहेगी। साथ ही आपके कार्य में गति भी रहेगी एवं नए काम को प्राप्त करने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। प्रभाव में वृद्धि होगी एवं नए विवादित मामलों में आप विजय प्राप्ति करेंगे। संपर्कों का लाभ भी होगा एवं सप्ताह के अंत के दिन के मामलों में आपके सबसे अच्छे दिन गुजरेंगे। वृश्चिक राशि, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। सोमवार एवं मंगलवार को सावधानी रखनी होगी, साथ ही साथ आपको विवादों से भी दूर रहना होगा। बुधवार को आप पुण्य परिणाम पक्ष में आने लगेंगे, सुखद आय होगी एवं कार्य कौशल भी विकसित होगा। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे एवं सप्ताह के अंत में कार्य की अधिकता भी हो सकती है। धनु राशि, सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल रहेगा, अपेक्षाएं पूरी होगी एवं मेहनत का फल भी प्राप्त होगा। भाग्य का साथ भी रहेगा, आय भी व्यवस्थित रहेगी एवं योजनाएं भी सफल होंगी। बुधवार एवं गुरुवार को अज्ञात भय और चिंता में वृद्धि होगी, व्यय भी बढ़ेगा एवं संतान से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ेगी। सप्ताह के अंत में स्थिति बेहतर हो जाएगी। मकर राशि, संतान से सुख मिलेगा, विरोधी स्वर उठा सकते हैं, इसलिए संभल कर रहें। निरंजन स्थान पर नहीं जाएं, मंगलवार की शाम तक परेशानी है, उसके बाद समय अनुकूल हो जाएगा, बात सुनी जाएगी एवं पक्ष रखने का मौका भी प्राप्त होगा। शुक्रवार से पुनः स्वनियंत्रण रखें, विवादों से बचें, योजनाएं लीक होंगी एवं राज की बातें बाहर भी आ सकती हैं। कुंभ राशि, आज को छोड़कर कल से समय पक्ष का रहेगा, आय में सुधार होगा, कार्य की अधिकता के साथ साथ लाभ में भी वृद्धि होगी, संयोग भी प्राप्त होंगे एवं सफलताएं भी मिलेगी। विवादित मामलों में विजय प्राप्त होगी एवं न्यायालयीन मामले भी पक्ष में होंगे। यात्राएं सुखद होंगी एवं शुभ सूचनाएं की प्राप्त भी होगी। मीन राशि, सप्ताह के आरंभ में धैर्य एवं शांति से कार्य करना होगा, अति उत्साह के कारण कार्य बिगड़ सकते हैं, आर्थिक पक्ष भी कमजोर रहेगा। बुधवार से उत्साहजनक परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। गुरुवार एवं शुक्रवार को कार्य में वृद्धि होगी एवं सुखद समाचार भी प्राप्त होंगे, योजनाएं सफल होंगी एवं नई संपत्ति खरीदने में भी मन होगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मूल भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें।